इसी वीडियो को पार्ट नंबर 2 फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 26। तो शुरू करते हैं। ओके, आप लोगों को फिर से एक बार की टू ड्यूएल हिंदी चैनल में स्वागत है। और हम पिछले जो वीडियो था उसमें से ये वाला पार्ट जो क्वेश्चन नंबर 26 से फिफ्टी तक डिस्कस करने वाले हैं, क्योंकि वो वीडियो लंबा हो गया था इसीलिए इसको दो पार्ट में किया गया। तो अभी शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 26। आप इसको देखिए, क्वेश्चन पढ़िए फास्ट इत्मीनान से, फिर उसका आंसर करने की कोशिश कीजिए। कॉशन फॉर मूस क्रॉसिंग अहेड रेफर्स टू, ये जो है वार्निंग साइन है या कॉशन है। आप ये जनरली आपको हाई स्पीड रोड में, मोटरवे में, हाईवे में, या फिर जो स्पीड लिमिट जहाँ पे ज़्यादा होता है उसी साइड में ये सब साइन मिलता है, वार्निंग साइन। तो आपको ये बहुत बड़ा चीज़ नहीं है, बट बहुत टाइम ना कन्फ्यूजन होता है, क्योंकि वो जो सिंबल है बहुत सारे लोगों को पता नहीं होता है कि कौन सा सिंबल क्या रिप्रेजेंट करता है, कि मूस क्या है, रेंडियर क्या है, वाइल्ड बोर्स क्या है, वो सब सिंबल ना पता नहीं चलता पिक्चर में देखने के बाद। तो जो ए है वो रेंडियर का है, जो बी है वो सीप का है, जो डी है वो वाइल्ड बोर्स का है, और जो सी है वो मूस है। तो इसका आंसर मूस है, आपको जस्ट याद रखना है। और कुछ सिंबल है आप देख लीजिए ध्यान से कि कौन सा सिंबल क्या होता है, ये पहले थ्योरी का एक दिन पहले से एक बार रिवाइज कर दीजिए, क्योंकि ये आता है काफ़ी टाइम आता है ये क्वेश्चन, एक क्वेश्चन, क्योंकि ये काफ़ी सारा एक्सीडेंट होता है इसके वजह से कि मूस के, वाइल्ड बोर्स के, उसी में या एक्सीडेंट हुआ है तो आपको क्या करना चाहिए, पुलिस को इन्फॉर्म करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, आपको रुकना चाहिए, वो सब के बारे में भी क्वेश्चन आता है, जो कि प्रैक्टिकली बहुत ही रेलेवेंट है। इसीलिए यहाँ पे स्वीडन में थ्योरी टेस्ट ऐसे जनरली थ्योरी के लिए नहीं है, बहुत सारा प्रैक्टिकल एप्लीकेशन होता है यहाँ पे। जो प्रैक्टिकल में आपको है वो थ्योरी में पूछा जाता है, तो आपका कॉन्सेप्ट जो है ड्राइविंग से पहले आपको क्लियर होना चाहिए कि कहाँ पे क्या करना है। इसीलिए प्रैक्टिकल टेस्ट, ये जो थ्योरी टेस्ट है, काफ़ी डिफिकल्ट है पास करने में, क्योंकि वो प्रैक्टिकल बेस्ड क्वेश्चन पूछता है। तो चलिए, इसका आंसर है सी। अभी चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 27। यहाँ पे देखिए, पहले पार्ट में हम लोग डिस्कस किए थे क्लास 2 मोपेड्स के बारे में, बट यहाँ पे क्लास 1 मोपेड्स के बारे में। क्लास 1 मोपेड्स आर अलाउड हियर, यस और नो? क्लास 1 मोपेड्स जनरली उसी में आता है जो कि मोटराइज मोपेड्स होता है, तो मोटर बाइक्स होता है जिसमें कि लाइसेंस ज़रूरत होता है, और उसी में देखिए अलाउड नहीं है। तो यहाँ पे आंसर होगा नो, वहाँ पे था यस, क्योंकि जो यहाँ पे अगर क्लास 2 मोपेड्स बोलता तो यहाँ पे होता यस। क्लास 2 मोपेड के लिए कोई पाबंदी नहीं है, लेकिन क्लास 1 मोपेड्स और कार इसी रोड में जा नहीं सकता, मतलब अलाउड नहीं है जाने में, तो कोई भी ले लेगा बट अलाउड नहीं है। आप मतलब आपका कंसेप्ट क्लियर नहीं है, इसीलिए यहाँ पे क्लास 1 मोपेड्स आर अलाउड हियर, नो, आंसर इज बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। व्हाट लेन शुड आई टेक इफ आई एम प्लानिंग टू गो टू द रूट नंबर 265, लेन 1 और लेन 2 और एनी? आप इसी टाइप का एक क्वेश्चन था, वहाँ पे E4 के जाने के लिए हम बात कर रहे थे कि कौन सा लेन चूज करें, बोथ लेन 1 एंड लेन 2 था उसका आंसर। यहाँ पे हम बात करेंगे कि 265 जो है, रूट नंबर 265 को जाना है तो कौन सा लेन चूज करें, प्लानिंग करें। तो ये प्रैक्टिकल टेस्ट के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट होगा, जो लोग स्पेशली सोलेंतुना में प्रैक्टिकल टेस्ट दे रहे हैं उनके लिए ये बहुत ज़रूरी है कि कौन सा लेन चूज करना है। तो अब देखिए थ्योरी क्वेश्चन में क्या है इसका आंसर। तो जब आप बोर्ड में देखेंगे तो 265 जो है आप राइट साइड में है, लेकिन लेफ्ट साइड में 265 नहीं है, लेफ्ट साइड में हैगबिक है, नॉर्बिकन है, और E18 है, E4 है, लेकिन ओनली राइट साइड में 265 है। तो आपको सिलेक्ट करना है लेन 1, ओनली लेन 1 इज द करेक्ट आंसर। सो लेन 1, नॉट लेन 2, नॉट एनी, बट लेन 1 इज द राइट आंसर, राइट आंसर है लेन 1। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, और इट इज़ द सेम क्वेश्चन आई थिंक वी हैव हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। आर यू अलाउड टू मेक ए यू टर्न इफ यू सी दिस साइन? अलाउ में प्रॉब्लम नहीं है, आप कर सकते हैं यू टर्न, क्योंकि यू टर्न वाला जो सिंबल है उसको आपको नहीं बोला है, आप यू टर्न नहीं कर सकते बोल के, इसी सिंबल में आप कर सकते हैं यू टर्न, अगर दूसरा कोई एक्स्ट्रा सिंबल या एक्स्ट्रा साइन नहीं है तो। पर्टिकुलरली यही जो क्वेश्चन है, ओनली अगर इतना ही पूछ रहा है, इतना ही इन्फॉर्मेशन है तो आप कर सकते हैं। तो यह इसका आंसर होगा यस। अगले क्वेश्चन में चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 30। प्रायोरिटी साइन फॉर पेडेस्ट्रियन क्रॉसिंग,
देखिए दो साइन है यहाँ पे, एक तो ब्लू में है और एक है रेड में है, जो रेड ट्राइंगल में है और एक ब्लू में है। और यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, प्रायोरिटी साइन फॉर पेडेस्ट्रियन क्रॉसिंग, ये कौन सा प्रायोरिटी साइन है, ए है बी है और बोथ है। तो कन्फ्यूजन यही नहीं होगा आपको कि ए है, ए सब लोगों को पता है ए है प्रायोरिटी साइन, लेकिन बी भी है क्या या बी नहीं है। तो वही जो ए साइन है जहाँ पे आपको पेडेस्ट्रियन क्रॉस करता है वहाँ पे ये साइन मिलता है, ए जो साइन, और बी जो है वार्निंग साइन है, ये तो थोड़ा सा पहले मिलेगा आपको, ये आगे जाके ऐसे पेडेस्ट्रियन क्रॉसिंग आ सकता है बोल के, थोड़ा सा आगे कुछ मीटर्स आगे। तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर होगा ए, जो ब्लू साइन है वो जो मैंडेटरी साइन है उसी का, ये है प्रायोरिटी साइन फॉर पेडेस्ट्रियन क्रॉसिंग। चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। दिस ट्रैफिक साइन मीन्स, आपको देखिए इस टाइप का एक पहला उसी पहले पार्ट में भी था एक क्वेश्चन, बट ये दूसरे टाइप का क्वेश्चन पूछ रहा है। दिस ट्रैफिक साइन मीन्स सिंगल ट्रक लेवल क्रॉसिंग, डबल ट्रक लेवल क्रॉसिंग, मल्टीपल ट्रक लेवल क्रॉसिंग, ऑल द अबव। तो आपको कन्फ्यूजन यही होगा कि डबल ट्रक है या मल्टीपल ट्रक है। तो जब भी डबल एंड मल्टीपल में कन्फ्यूजन होता है आप मल्टीपल कीजिए, उसमें सिंगल और डबल अगर होता तो आप डबल राइट आंसर होता है, क्योंकि ये डबल और मल्टीपल है तो आप इसमें मल्टीपल ट्रैक इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर होगा, ऑल ऑफ द अबव नहीं होगा, लेकिन मल्टीपल ट्रैक लेवल क्रॉसिंग सी जो है वो राइट आंसर है, क्योंकि मल्टीपल ट्रैक में आप बहुत सारा ऐसे ट्रैक वाला नहीं दिखाता है, दो तीन पाँच छः ऐसे करके नहीं होता, दो अगर देता है तो सिंगल ट्रैक से ज़्यादा है, वो है मल्टीपल ट्रैक माना जाता है। तो वही उसका आंसर है सी, मल्टीपल ट्रैक का सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। दिस व्हीकल में गो विथ ए मैक्सिमम स्पीड लिमिट ऑफ, पहला है 90 किलोमीटर पर आवर, बी है 60 किलोमीटर पर आवर, सी 45 किलोमीटर पर आवर एंड डी 30 किलोमीटर पर आवर। तो आपको ये जो ट्राइंगल दिख रहा है सिर्फ सिंबल है, वो जनरली होता है कि लो स्पीड व्हीकल्स में होता है, और उसी का मतलब है कि वो 45 किलोमीटर पर आवर में मैक्सिमम स्पीड उतना तक जा सकता। तो इसका आंसर है सी, 45 किलोमीटर पर आवर। अब अगले क्वेश्चन में चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 33। यू मे पार्क मोर देन 24 आवर्स इन ए वीकडेज विथ दिस साइन। आप ये नॉर्मल पी साइन है जहाँ पे आप जानते हैं कि 24 आवर्स अलाउड है, लेकिन वीकडेज में क्या मोर देन 24 आवर्स अलाउ है आपको, नहीं। अगर फ्राइडे में करते हैं, फ्राइडे इवनिंग में, तो आपको या सैटरडे को करते हैं तो आप मंडे मॉर्निंग तक कर सकते हैं, या मंडे इवनिंग तक कर सकते हैं, जहाँ पे मंडे 12 तक मिडनाइट में, लेकिन ये नॉर्मल वीकडेज में मैक्सिमम अलाउड टाइम है 24 आवर, इसी पार्किंग साइन का मतलब। तो आपको आंसर क्या होगा फिर, यू मे पार्क मोर देन 24 आवर, नो, तो ये फॉल्स है, आंसर इज बी। तो अभी चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर, क्वेश्चन नंबर 34। दिस इज ए रोड नंबर साइन फॉर ट्रैफिक डाइवर्सन, ट्रू और फॉल्स। यहाँ पे इस टाइप का ना तीन सिंबल होता है, एक तो है वाइट में वो ब्लू बॉर्डर है ये नंबर है, एक पूरा ब्लू में वाइट नंबर होता है, और एक डैश लाइन होता है। तो वो तीनों को जानना है, बट इसी क्वेश्चन के लिए मैं बता देता हूँ कि यही राइट है। दिस इज ए रोड नंबर साइन दे यूज फॉर ट्रैफिक डाइवर्सन फॉर टेम्परारीली या परमानेंटली। ओके, वो छोड़िए, टेम्पररी या परमानेंट बात छोड़िए, बट ये जो साइन होता है ट्रैफिक डाइवर्सन के लिए यूज होता है, ये जो वाइट बैकग्राउंड के ऊपर जो ब्लू लाइन है। तो आंसर है इसका यस, ट्रू, ए। अभी चलते हैं अगले क्वेश्चन में। Which of these sign represents one way traffic sign? हम लोग पहले भी ये बात कर चुके हैं पहले वाला वीडियो में, कौन सा है, ये थोड़ा सा कन्फ्यूजन है कि उसमें वन वे ट्रैफिक साइन कौन सा है, इसमें ए बी। और उसी में हम लोग बात किए थे और एक साइन था जो कि स्क्वेयर शेप में था, जिसमें नॉट स्क्वेयर जो रेक्टेंगुलर शेप में था उसी में एक एरो मार्क था, तो उसी को एक्चुअली वो जो वन वे ट्रैफिक साइन वही है। तो इसमें कन्फ्यूज्ड वाला जो आंसर है बी है, बट बी नहीं है वन वे ट्रैफिक साइन। सो यहाँ होगा आपका राइट आंसर
नॉन है, फोर्थ नंबर चॉइस है नॉन। चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 36, प्रायोरिटी ट्रैफिक साइन फॉर अनकमिंग व्हीकल्स। एग्जैक्टली इसी टाइप का क्वेश्चन था उसी में प्रीवियस पार्ट में, बट उसमें डिफरेंट था। बट नाउ अब देखिए, प्रायोरिटी ट्रैफिक साइन फॉर अनकमिंग व्हीकल्स, अनकमिंग व्हीकल्स में वो रेड एरो नहीं है। रेड एरो जहाँ पे जिस साइड से रेड एरो जाता है उसी साइड में एक्चुअली वो प्रायोरिटी नहीं होता है। तो यहाँ पे आने वाली गाड़ी के लिए प्रायोरिटी है बट जाने वाले गाड़ी के लिए प्रायोरिटी नहीं है। लेकिन आपको क्वेश्चन पढ़ना है ठीक से, प्रायोरिटी ट्रैफिक साइन फॉर अनकमिंग व्हीकल्स, तो आपको आने वाले गाड़ी के लिए प्रायोरिटी ट्रैफिक है क्या? यस, क्योंकि वहाँ से आपका रेड एरो नहीं है, तो ये ट्रू है, आंसर इज ए। चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 37, एंड व्हाट इज द करेक्ट स्टेटमेंट विद दिस ट्रैफिक साइन। आप अगर इस ट्रैफिक साइन को देखें तो क्या करेक्ट स्टेटमेंट है? रिकमेंडेड रूट फॉर व्हीकल्स कैरिंग नॉट डेंजरस गुड, रिकमेंडेड रूट फॉर व्हीकल्स कैरिंग डेंजरस गुड, बोथ आर करेक्ट, नॉन ऑफ देम आर करेक्ट। तो आप देखिए, जब भी ये साइन देखते हैं, ये वाला एक्चुअली डेंजरस जो लिक्विड होता है, डेंजरस गुड्स है, उसी को ट्रांसपोर्ट करने में उसी पर्टिकुलर ये रूट यूज किया जाता है। तो इसको जस्ट याद रखना है आपको इसी सिंबल को, और ये है इसीलिए इसका आंसर है बी, रिकमेंडेड रूट फॉर व्हीकल्स कैरिंग डेंजरस गुड। तो ये आंसर इसका बी है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 38, दिस ट्रैफिक साइन मींस। आप ट्रैफिक साइन को देखिए और समझिए और कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है वो बताइए। डबल कर्व्स अहेड फास्ट टू लेफ्ट, डबल कर्व्स अहेड फास्ट टू राइट, बोथ ए एंड बी, नॉन ऑफ दिस। तो आप अगर देखेंगे ध्यान से, आप देखिए इसमें पहले लेफ्ट को जाना है या राइट को जाना है। डबल कर्व तो सही है, ए और बी दोनों डबल कर्व है। पहले आपको राइट में जाना है फिर आपको लेफ्ट लेना है वहां से। तो इसका आंसर क्या होगा? डबल कर्व्स अहेड फास्ट टू लेफ्ट एंड फास्ट टू राइट। सो बी है इसका आंसर, राइट आंसर है, डबल कर्व्स अहेड बट फास्ट टू राइट। ओके, आपको अगर ये वीडियो अच्छा लग रहा है, आपको अगर कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है, आप ज़रूर लाइक करें और शेयर करें और सब्सक्राइब कर सकते हैं अगर आपको और सारा बहुत सारा वीडियो इस टाइप का ड्राइविंग लाइसेंस रिलेटेड देखना है। तो मैं स्ट्रांगली रिकमेंड करता हूं कि आप सब्सक्राइब करें। चलिए क्वेश्चन नंबर 39 के ऊपर, ग्रेटेस्ट रिस्क ऑफ द स्पीड ब्लाइंडनेस। तो पहले मैं बता देता हूँ स्पीड ब्लाइंडनेस क्या होता है। स्पीड ब्लाइंडनेस यही होता है कि जब आप हाई स्पीड रोड में जा रहे हैं तो 120 या 110 या फिर 90 रोड में, 80 रोड में, कहीं भी हाई स्पीड रोड में जा रहे हैं तो कभी कभी होता है ना, आप भूल जाते हैं कि उसमें कि कितना स्पीड में जा रहे हैं। जैसे कि उसी में स्पीड ब्लाइंडनेस हो गया कि सडनली अगर 60 रोड आ गया कि आप 120 से जा रहे हैं, आपको लगेगा ना बहुत स्लो जा रहे हैं। तो उसी में स्लो जा रहे हैं लेकिन आप अगर स्पीड लिमिट को देख रहे हैं तो आप 80 में जा रहे हैं या 100 में जा रहे हैं, 120 में जा रहे थे, मतलब 60 में अगर रोड हो गया तो आपको लगेगा बहुत ही एकदम स्लो जा रहे हैं। तो जब आप भूल जाते हैं ना, आपका स्पीड लिमिट जो है आप भूल जाते हैं कुछ देर तक, तो उसको बोलते हैं स्पीड ब्लाइंडनेस। तो वो कहाँ पे जनरली देखा जाता है, इस क्वेश्चन का यही मतलब है। एंटरिंग टू ए मेजर रोड, एग्जिटिंग ए राउंड अबाउट, ड्राइविंग इन ए रेजिडेंशियल एरिया, एग्जिटिंग ए मोटरवे, और ऑल ऑफ द अबव। जैसे मैं बताया कि पहले कहाँ पे जाता है, ये कहाँ पे होता है स्पीड ब्लाइंडनेस, तो जब भी हाई स्पीड रोड होता है और काफ़ी कुछ टाइम आप ड्राइव कर चुके हैं और सडनली आप लो स्पीड एरिया में आ गए, और इसी में अगर पांचों चॉइस में देखेंगे तो ये एक ही जगह ऐसे है कि ड्राइव एग्जिटिंग ए मोटरवे। तो एंट्री करने में तो आप हाई स्पीड में जा रहे हैं तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, जब एग्जिट कर रहे हैं तो मोटरवे से आप काफ़ी देर से ड्राइव करके आ रहे हैं हाई स्पीड रोड में, लेकिन एग्जिट कर गए, एग्जिट करने के बाद इमीडिएटली आपको स्लो करना पड़ रहा है। आप स्लो तो कर रहे हैं लेकिन आप भूल गए कि स्लो में आपको इतना स्लो लग रहा है ना, आपको पता नहीं चल रहा है। तो इसीलिए इसका आंसर है डी, एग्जिटिंग ए मोटरवे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 40, क्वेश्चन को पढ़िए। एग्रावेटेड ड्रंक ड्राइविंग फॉर मिले, चॉइस ए 0.1, चॉइस बी 0.2, चॉइस सी 0.5, डी 1.0 की ई 2.0। इसका जो एक है एग्रावेटेड ड्रंक ड्राइविंग और एक ड्रग्स के रिलेटेड, एक तो अल्कोहल के बारे में पूछता है और दूसरा ड्रग्स के बारे में पूछता है, तो कौन सा एग्रावेटेड ड्रंक ड्राइविंग ये पूछ रहा है इसी क्वेश्चन में। और मैं इसी क्वेश्चन आपके ऊपर छोड़ता हूँ, आप लिखिए कमेंट सेक्शन में और वहाँ पे मैं बता दूंगा आपको कि कौन सा इसका राइट आंसर है। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर
42 में आप देखिए इसी क्वेश्चन में, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज वार्निंग साइन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ए वार्निंग साइन रिप्रेजेंट्स फॉर फॉलिंग रॉक्स फ्रॉम द लैब। ओके, चार सिंबल है, कहाँ से आपको रॉक फॉल कर रहा है लेफ्ट साइड में, यही पूछ रहा है। ए बी सी डी ई ए एंड सी, बोथ ए एंड सी बोथ। ओके, यहाँ पे ए जो है उसमें रॉक फॉल नहीं कर रहा है, वो जो है क्या बोलते हैं उसको, रोड से उठ के जा रहा है, बट रॉक जो फॉलिंग हो रहा है सी पे हो रहा है लेफ्ट साइड से। तो बी है राइट साइड से हो रहा है, बट सी है लेफ्ट साइड से हो रहा है, और डी जो सिंबल है वो एक जो ओवरब्रिज होता है उसी के उसी में है वो सिंबल, तो डी नहीं है, तो इसका आंसर है सी, करेक्ट आंसर है सी। तो चलिए अब चलते हैं और एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन में। एच, कार ए अप्रोचेस ए जंक्शन, इट नोटिसेस दिस ट्रैफिक साइन। ओके, एज एन ऑनकमिंग व्हीकल कार बी अप्रोचेस, इट विशेस टू टेक लेफ्ट टर्न द रोड ऑन द राइट, हु शुड गो फास्ट। ओके, कार ए शुड गो फास्ट और कार बी शुड गो फास्ट, और दे कैन गो म्यूचुअली और इट डजंट मैटर। तो यहाँ पे आप देखिए देख रहे हैं ये जो सिंबल है, पहले भी हम बात कर चुके हैं, ये बहुत एक इम्पोर्टेंट सिंबल है, जो जो लेफ्ट साइड में जो दोनों ही, एक तो कार ए जो सीधी जा रही है, कार बी को लेफ्ट टर्न लेना है, और वो लेफ्ट टर्न लेना है उसी में जो कि राइट साइड में जो रोड है, वो राइट साइड रोड में जो आता है उसके लिए गिव वे है, और यहाँ पे जो लेफ्ट टर्न कर रहा है, क्योंकि ऑलवेज आप याद रखिए कि जब भी कोई लेफ्ट टर्न होता है उसी को वेट करना होता है। तो यहाँ पे कार ए शुड गो फास्ट देन कार बी। चलो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। दिस ट्रैफिक साइन का मतलब क्या होता है? तो ए 75 है, और आफ्टर 75 किलोमीटर देयर इज एन एग्जिट टू राइट और रोड डाइवर्सन टू राइट और एग्जिट नंबर, और डी है यूरोपियन हाईवे नंबर। ये सिंपल है, आपको अगर सिंबल वाला सेक्शन में जाके अगर पढ़े हैं तो इसको, और या फिर कहीं पे अगर ट्रैवल कर रहे हैं आप, देखना कि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट फंक्शन है इसी सिंबल का, क्योंकि इसको बोलते हैं एग्जिट नंबर। तो लेकिन आप अगर दिख रहा है उसे लेफ्ट साइड ऑफ द पिक्चर में जो दिख रहा है कि उसमें एक रोड है और उसमें से लग रहा है एग्जिट टाइप का, वो एग्जिट नहीं है, नहीं वो एग्जिट है बट एग्जिट नंबर है उसका। तो आफ्टर 75 किलोमीटर देयर इज एन एग्जिट टू राइट, वो नहीं है, या कोई डाइवर्सन नहीं है राइट साइड में, ऐसे कंफ्यूज हो सकते हैं। ये एग्जिट नंबर है, जहाँ पे कोई एक्सीडेंट वगैरह या कुछ होता है तो आप अगर पुलिस में इन्फॉर्म करते हैं तो ये नंबर बताना है कि एग्जिट नंबर यही है, इसी के आसपास है एक्सीडेंट या जो भी है, उसी को इन्फॉर्म करने के लिए बहुत आसान होता है। ये बहुत पर्टिकुलर होता है, सब एग्जिट नंबर यूनिक होता है यहाँ पे, तो इसीलिए इसका बहुत इम्पोर्टेंट और ये वैल्यूबल इन्फॉर्मेशन होता है। तो किसी को अगर बोल दिया इसी में एग्जिट लेना, एग्जिट नंबर 156 में लेना, तो वो आराम हो जाता है, आप देख के एग्जिट नंबर 156 में ले सकते हैं। तो किसी को अगर रोड इन्फॉर्मेशन दे भी रहे हैं तो ये इसीलिए इम्पोर्टेंट होता है। चलिए अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 44 का। दिस ट्रैफिक साइन मीन्स एम, समटाइम ना आपको लगेगा ना एम कहाँ से, कहीं से देखा नहीं था मैंने, एम पी देखा था, दूसरा साइन देखा था, एम कहाँ से आ गया? तो ये क्या टेम्पररी पार्किंग है, ये क्या पासिंग प्लेस है, एंड ऑफ ए पार्किंग एरिया है, और बिगिनिंग ऑफ ए रेजिडेंशियल एरिया है, क्या है? तो ये क्या होता है, जब आप स्मॉलर कंट्री रोड में जा रहे हैं, छोटा रोड में जो वाइड कम है उसी रोड का, और वहाँ पे जा रहे हैं, वहाँ पे एक गाड़ी जा सकती है, बट वहाँ पे टू वे रोड है, क्योंकि वहाँ से आगे भी रोड आगे से भी गाड़ी आ सकती है, बट आपको स्पेस है एक रोड के लिए, एक लेन का, जो एक कार के लिए है, एक कार के लिए सफिशियंट है बट दो कार के लिए नहीं। तो बीच बीच में क्या होता है, ये सिंबल देके थोड़ा सा जगह आपको वाइड करके वो रोड में रखा जाता है, तो उसी में बोलते हैं वो पासिंग प्लेस। तो अगर आप जा रहे हैं इधर से, इस साइड से है, तो आपको वेट करना है उसी प्लेस में, थोड़ा सा वाइडर है तो आगे वाला गाड़ी निकल जाए तब आप जा सकते हैं। तो इसका आंसर है पासिंग प्लेस, कोई पार्किंग प्लेस नहीं है, टेम्पररी पार्किंग नहीं है, एंड ऑफ पार्किंग नहीं है, तो ये है पासिंग प्लेस बोलते हैं इसको, एम साइन जो होता है पासिंग प्लेस है, और वो इसका आंसर इसीलिए है बी। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। एंड ऑफ ए बिल्डअप एरिया, वाओ दिस इज सो इंटरेस्टिंग, क्योंकि सभी जो चॉइस है वो लग रहा है कि बिल्डअप एरिया एंड है, लेकिन ए देखिए ये पेडेस्ट्रियन वाला जो है वो जोन है वो एंड है, बी जो है इसको क्या बोलते हैं सिटी में जो रेजिडेंशियल एरिया है
ओ एंड है, सी डी जो है 30 किलोमीटर वो स्पीड लिमिट है, ओ एंड है, तो इसका आंसर सी है। और इसको कैसे याद रखना है, आप सी को देखिए, जैसे बहुत सारा बिल्डिंग है उसी में, तो उसी को याद रखिए, जो बिल्डअप एरिया मतलब बहुत सारा बिल्डिंग सब है और उसी को क्रॉस दिया हुआ है, ब्लैक बिल्डिंग्स उसी में है, तो उसी को बिल्डअप एरिया बोलते हैं और उसी को बिल्डअप एरिया स्टॉप मतलब एंड है, तो इसका आंसर है सी। इसमें कुछ कंफ्यूज नहीं होना है कि बाकी सब को इग्नोर करना है, बाकी सब चॉइस को, और आंसर करना है सी। चलते हैं अगले क्वेश्चन में, नो एंट्री फॉर ऑल मोटर व्हीकल्स। वाओ, देखिए इसमें क्या पूछा है, नो एंट्री फॉर ऑल मोटर व्हीकल्स। ऑल मोटर व्हीकल्स मतलब मोटराइज्ड व्हीकल जो है उसको, ये बैटरी वाला नहीं है। तो अब देखते हैं चॉइस ए, चॉइस ए में कोई नो एंट्री नहीं है, चॉइस बी, बी में बाई वे है, टू वे है, उसमें भी एंट्री अलाउड है, नो एंट्री। सी, सी में प्रायोरिटी है ऑनकमिंग व्हीकल के लिए, बट ऐसा नहीं है कि एंट्री के लिए बैन है, तो इसका आंसर है डी। ये जो सिंपल है, इसका जब भी कंस्ट्रक्शन होता है या रोड बोथ साइड में ब्लॉक्ड होता है तो इसी सिंबल लगाया जाता है, तो नो एंट्री फॉर बोथ साइड फॉर मोटर व्हीकल्स, तो आप उसके अंदर जा नहीं सकते और उस साइड से भी आ नहीं सकते। यह है एक माइनस साइन होता है जो कि नो एंट्री फ्रॉम, आप जा नहीं सकते लेकिन उस साइड से आ सकते हैं, तो इसीलिए एंटर नहीं कर सकते बट अलाउड है अदर साइड से, उसी में वो डिफरेंस है। तो इस दोनों साइन को याद रखिए, जो जो ये डी है और एक माइनस साइन होता है, माइनस साइन में आप एंट्री नहीं कर सकते, वो भी नो एंट्री है बट, और ये भी नो एंट्री है बट वहाँ पे ना आप आ सकते हैं, यहाँ पे ना आ सकते हैं ना जा सकते हैं। क्लियर? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, यू आर गोइंग टू टेक ए राइट टर्न हियर एंड यू आर ओबिलाइज टू गिव वे। ये क्वेश्चन आ चुका है, इसी टाइप का एग्जैक्टली सिमिलर क्वेश्चन आ चुका है, तो आपको ध्यान में रखना है इसी क्वेश्चन को क्या है। गिव वे टू ट्रैफिक फ्रॉम ओनली राइट, गिव वे ट्रैफिक फ्रॉम ओनली लेफ्ट, नो नीड टू गिव वे, और गिव वे ट्रैफिक टू ऑल। सो आप लेफ्ट वाला ट्रैफिक को यील्ड करना है या राइट वाला ट्रैफिक को यील्ड करना है या बिल्कुल किसी को यील्ड नहीं करना है या फिर ऑल ट्रैफिक को यील्ड करना है। तो जब भी ऐसा कोई सिचुएशन आता है, सिचुएशनल क्वेश्चन आता है, तो इसमें ध्यान में रखिए ये सिर्फ लेफ्ट और सिर्फ राइट वाले को नहीं है, ऑल ट्रैफिक को, जहाँ पे ये जो ट्रायंगल साइन है और ये मतलब गिव वे के लिए बोल रहा है, तो आपको स्टॉप करना है वहाँ पे, स्लो करना है, स्टॉप करना है। अगर दोनों साइड से कोई भी ट्रैफिक नहीं है तब जाके आपको पास करना है, तो इसका आंसर है डी, गिव वे ट्रैफिक टू ऑल। चलिए अभी और क्वेश्चन नंबर 48 पे चलते हैं। यहाँ पे देखिए और एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, ड्राइविंग ए कार, यू आर ड्राइविंग ए कार एंड यू शुड नॉट एंटर विथ ट्रैफिक साइन। अब जब मैं बता रहा था वो जो पहले वाले क्वेश्चन में यही सेम है, यू शुड नॉट एंटर विथ ट्रैफिक साइन, जो ट्रैफिक साइन है ए बी सी डी में, किस में आप एंट्री नहीं कर सकते। तो देखिए 1 2 3 2 3 4 1 3 4, यू शुड नॉट एंटर, ओके इट इज, आप क्वेश्चन को पढ़िए फिर एक बार, ड्राइविंग ए कार एंड यू शुड नॉट एंटर, यू शुड नॉट एंटर, तो आपको ये नहीं बोला कि आपको एंट्री बैन है, यू शुड नॉट एंटर, है ना। अगर एंट्री बैन होता तो नो एंट्री होता तो ऑप्शन 3 और 4 होता उसका आंसर, बट यू शुड नॉट एंटर विथ ट्रैफिक साइन मीन्स 1 में भी आप एंटर नहीं कर सकते, 2 में एंटर कर सकते हैं बट 3 में एंटर नहीं कर सकते और 4 में भी एंटर नहीं कर सकते, तो उसका आंसर है 1, 3 और 4। कहाँ पे कौन सा चॉइस में है, 1, 2, 3, 2, 3, 4, ओके सी, 1, 3 और 4 उस वो है राइट आंसर इसी में। बट अगर नो एंट्री सिर्फ होता तो आपको 3 और 4 होता है उसका आंसर, क्योंकि उसी में दोनों ऑल साइड अगर बैन होता, ऑल साइड से ना जा सकते हैं ना आ सकते हैं, उसका ओनली वो आंसर 4 होता, ओनली आ सकते हैं जा नहीं सकते, तो 1 और 3 होता उस ऑप्शन, क्योंकि वहाँ पे अलाउड नहीं है जाना बट आ सकते हैं। ओके चलिए अगले क्वेश्चन के ऊपर, अभी हम लोग आ गए काफ़ी करीब 50 क्वेश्चंस कंप्लीट करने के लिए, और ये है क्वेश्चन नंबर 49, दिस ट्रैफिक साइन विल नॉट बी वैलिड आफ्टर नेक्स्ट जंक्शन। वाओ, ऐसे क्वेश्चन आता है कि एक ट्रैफिक साइन देता है और वो ट्रैफिक साइन पर्टिकुलरली एक जंक्शन के लिए होता है कि नेक्स्ट जंक्शन में वो ट्रैफिक साइन का वैलिडिटी ख़त्म हो जाएगा, इसका मतलब उसका दूसरा ट्रैफिक साइन का रूल शुरू हो जाएगा। तो ये पूछ रहा है कि दिस ट्रैफिक साइन विल बी
विल नॉट बी वैलिड आफ्टर नेक्स्ट जंक्शन। तो ये प्रायोरिटी रोड का सिंबल है, और प्रायोरिटी रोड मतलब ऐसा नहीं है कि ये अगले जंक्शन में ख़त्म हो जाएगा या अगले उसी में ख़त्म हो जाएगा, ऐसा नहीं है। तो इसका आंसर है नॉट वैलिड, इसका फॉल्स है, ये वैलिड है। एक काफ़ी देर तक एक स्ट्रेच ऑफ रोड पे काम होता है कि अगले जब तक जंक्शन में आप एक और एक मेजर रोड नहीं आ जाए, जैसे 40 का रोड में जा रहे हैं तो अगर 60 रोड वाला नहीं आ जाए तब तक ये चलता रहता है। मेजर रोड मतलब एक जंक्शन टू जंक्शन नहीं है, है ना। ओके, अभी आगे हम लोग लास्ट क्वेश्चन में, और क्वेश्चन नंबर 50। ये आज के ज़माने में बहुत ही इम्पोर्टेंट सिनारियो है कि इलेक्ट्रिक स्कूटर इज कंसिडर एज पेडेस्ट्रियन। इलेक्ट्रिक स्कूटर आजकल सभी लोग चला रहे हैं, उसके लिए नया रूल बन रहा है, नया ट्रैफिक रेगुलेशंस बन रहा है, बट इलेक्ट्रिक स्कूटर इज कंसिडर एज पेडेस्ट्रियन, यस और नो? नो, दिस इज नॉट करेक्ट, इट इज फॉल्स। इलेक्ट्रिक स्कूटर्स आर नॉट कंसिडर एज पेडेस्ट्रियन, बट कंसिडर एज जो क्लास टू मोपेड्स जो होता है, साइकिल या क्लास टू मोपेड्स ये जब होता है उसी के साथ इसको कंसिडर करते हैं। तो आप लोगों को ये दोनों वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको पसंद आया इसी में से वीडियो, और इसी रिलेटेड ड्राइविंग रिलेटेड कोई भी और वीडियो देखना चाहते हैं तो आप ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, और मैं मिलता हूँ आपको और एक नहीं बहुत सारा ऐसे ड्राइविंग रिलेटेड वीडियो में जिसमें कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा। और अब ये आप सिर्फ स्वीडन के लिए, ये ड्राइविंग थ्योरी टेस्ट के लिए नहीं है, ये प्रैक्टिकल टेस्ट और ड्राइविंग रिलेटेड टेस्ट जो यूरोप में है, नॉर्मली ऑलमोस्ट सिमिलर रूल होता है। आप जर्मनी में हो या डेनमार्क में हो, फिनलैंड में हो, नेदरलैंड में हो, कहीं पे भी यूरोपियन कंट्री में हो, इसी टाइप का सिमिलर रूल्स अप्लाई होता है। तो ये वीडियो आप सभी लोगों के लिए वैल्यूबल होगा। तो ओके, मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय, हेलो।